अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग खैरियत से हैं। और आज हम लोग बनाने वाले हैं व्हाइट कोरमा, चिकन का व्हाइट कोरमा। चलिए बताती हूँ कि कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने ले लिया है, ये देखिए, सूखा खोपरे का बुरादा जो आता है ना, ये 2 टेबल स्पून भर के लिया है, और 2 टेबल स्पून अखा धनिया, और ये टीस्पून लिया है, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। सूखा बुरादा, नारियल का, अखा धनिया, जीरा, काली मिर्च और सौंफ और सफ़ेद तिल, और इसमें मैं थोड़ा सा खसखस भी डालूँगी। देखिए थोड़ा सा खसखस मैंने ले लिया है, ये खसखस थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर, ये मैंने काजू भिगाया था थोड़े से, उसमें डाल दूंगी पानी में। ये देखिए, ये दोनों को अच्छी तरह भीगने दूंगी। गैस ऑन करती हूँ मैं और इन सबको मिक्स भून लूँगी। अगर आपको ज़्यादा पीस कर रखना है या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, मैं ये 1/2 किलो चिकन के लिए ये मसाला रखी हूँ। अगर आपको 1 किलो चिकन या उससे ज़्यादा चाहिए तो मसाला डबल कर लियो। आप इसको पीस के भी रख सकते हैं 10 दिन के लिए, 1 से 2 बार बनाने के लिए। इसका जो ये मसाला बनाकर हम लोग रख लेंगे ना, तो फिर आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। हल्की धीमी आंच में मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। व्हाइट कोरमा बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब लाल सालन वगैरह सब बच्चों का टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। लाल सालन आलू के साथ, ये हमारा ट्रेडिशनल था कि हमारे ज़माने में हम लोग यही खाते थे। हमें इतना पता नहीं था कि शादी वगैरह में जाते थे तो ये कोरमा खाते थे, पर अब लाल सालन नहीं, चिकन अफगानी, चिकन वाइट कोरमा, चिकन बटर चिकन, यही सब बच्चे खा रहे हैं। उनको टेस्ट चाहिए, कोई जायका चाहिए डिफरेंट। नॉर्मली सालन बनाओ तो सिर्फ सालन खाएंगे, चिकन सब उसमें सालन में ऐसे कैसे रह जाए। ये मसाला भून गया है अच्छी तरह से, खुशबू आ गई है। मसाले में कच्चापन वो ख़त्म हो जाता है ना, तो उसकी खुशबू आती है माशाल्लाह। देखिए, मतलब अखे धनिए की खुशबू और तिल की खुशबू, जीरा काली मिर्च की खुशबू, सौंफ की खुशबू, सब ये खुशबूदार स्पाइसेस है। ये अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती जो स्पाइसेस है, जो भी मसाले हैं सब खुशबूदार होते हैं। तो ये जब थोड़ी सी भुनाई हो जाती है इसकी, तो हल्की खुशबू आनी चालू हो जाती है, और जब ज़्यादा इसकी स्मेल आने लगती है ना खुशबू, तो समझ जाइए कि मसाला भुन चुका है। अभी देखिए मैं इसको ट्रांसफर कर दूँगी। खोपड़े की भी इतनी मस्त खुशबू आ रही है, ना कि क्या बताऊँ। अब इसी पैन में मैं 3 प्याज लिया है मैंने छोटे छोटे, इसको रफली चॉप करके, रफली स्लाइस करके मैंने काट लिया है। हल्का से तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बस इसको भी सौते कर लूँगी। अब फिर मैंने भिगा कर रखा था, इसको मैंने छलनी में छान लिया है, इसको भी उसमें डाल दूँगी छान करने, और इसको भी थोड़ा भून लूँगी साथ में। तो हल्का ही सौते करना है, और 1 मिनट तक, 1 मिनट भी बहुत है, 1/2 मिनट तक। देखिए प्याज ने अपना रंग बदल लिया है, मैंने इसे बंद कर दिया है गैस को। अब इसको मैं निकाल लूँगी, अब इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। चिकन या मटन व्हाइट कोरमा, शाही व्हाइट कोरमा के लिए मैंने प्याज, काजू, खसखस,
जैसे मैंने आपके सामने इसको सौते किया था, नमक और घर का पिसा हुआ गरम मसाला एक एक चम्मच, आधा किलो चिकन मैंने बोनलेस लिया है क्योंकि बच्चे मेरे हड्डी वाला खाते नहीं हैं, तो मैं बोनलेस में ही खासकर बनाती हूँ, लेकिन हड्डी वाले में और भी जायकेदार होता है। आप हड्डी वाला लीजिए, या अगर आपके बच्चे भी आपके घर में भी सब बोनलेस खाते हैं तो आप बोनलेस लीजिए। और ये वो मसाला जो मैंने अभी आपको रोस्ट करके दिखाया था, इसे मैं अभी बारीक पीस लूँगी, पाउडर कर लूँगी, उसके साथ में मैं इसे भी पीस के पेस्ट कर लूँगी, और अदरक लहसुन एक से दो चम्मच लूँगी, और ये क्रीम, फ्रेश क्रीम ये भी मुझे लगेगा, ये दही मैंने दही लिया है एक डब्बा, ये मैं आधा ही डालूँगी, ये 100 ग्राम है, मैं इसमें से 50 ग्राम ही डालूँगी। ओके, ये चिकन वाइट कोरमा के लिए मैंने शाही कोरमा के लिए ये बर्तन रख लिया है गैस पे, ये आधा चम्मच घी डालूँगी, देखिए मैंने आधा चम्मच घी डाल दिया है, अब मैं उसमें एक से ये दो चम्मच अदरक लहसुन, हरी मिर्ची भी साथ में पीसी हुई है, अब मैं इसमें भर के डालूँगी। इसमें काजू भी है, खसखस भी है, नारियल भी है, तो ज़्यादा घी वाला मतलब एकदम ही रिच हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा तेल भी डालूँगी। आधा चम्मच घी डाला था, एक से डेढ़ चम्मच तेल भी डालूँगी। अभी थोड़ा अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए उतना हम इसको भूनेंगे। ये देखिए ये मसाला जो अदरक लहसुन देखिए कितने अच्छे से भुनाई हो गई है इसकी, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। अब ये अदरक लहसुन जो भून गया था, मैंने चिकन डाला था, तो ये देखिए चिकन को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, इसका पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा ये कलर चेंज कर ले, तब तक इसमें मैं ये आधा नमक शामिल कर दूँगी, थोड़ा सा, और थोड़ा रहने दूँगी मसाले के लिए। माशाल्लाह कितने अच्छे से ये भून गया है, बिल्कुल इसमें तेल और जो घी था वो अलग है, और ये उसका रंग भी चेंज हो गया, देखिए इतना सॉफ्ट जैसा, ऐसा भूनने से ना, ये ऐसे हम लोग अगर फ्राई करके डालें ना तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं चिकन। देखिए चिकन ने रंग भी चेंज कर लिया है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी 50 ग्राम दही। दही के साथ भी इसको भूनने दूंगी थोड़ी देर, जब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दही का पानी भी सूख गया है, अब दही भी अच्छी तरह भून गया है। देखिए मैंने मसाला जो पीसा था, अभी सारा मसाला मैं इसमें शामिल कर दूँगी, प्याज, काजू, खसखस और ड्राई मसाला, सूखा खोपरा, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, अखा धनिया, ये सब मैं पीस ली हूँ और अब इसमें शामिल करूँगी। और इसकी भुनाई, इसमें कोई हल्दी, लाल मिर्च, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी जो रंग देता है, इसलिए ये वाइट कोरमा बनता है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसे आप नान, पराठा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाएं, इवन आप जो कड़क पाव आता है ना, कोई कोई लोग वो शौक से खाते हैं, बहुत मज़ेदार होता है ये। अब इसमें मैं बाकी का नमक और गरम मसाला शामिल कर दूँगी। देखिए तरी ऊपर आ गई है, इसकी भुनाई हो रही है, अब मैं इसमें मिक्सर का जो पानी है वो डालूंगी, मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। और एक गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, अब इसमें थोड़ी देर मसाला और चिकन दोनों पक जाएगा, इसके बाद मैं इसमें एंड में क्रीम शामिल करूंगी, और इसमें मैं थोड़ा दम पे पकने दूंगी, और जब उतारूंगी
उसमें पुदीना से इसकी गार्निश करूँगी। उसमें पुदीना मैंने ऑलरेडी काट के रख लिया है। मैं खाना बना रही थी, मेरे हस्बैंड की फरमाइश, उन्हें लस्सी चाहिए, ड्राई फ्रूट लस्सी। मैंने साथ साथ वो भी काम किया और अभी उन्हें लस्सी देने जा रहे हैं। मैंने कोरमे में खाने के लिए नान मंगा लिया है, अब ये नान बच्चे कोरमे में खाएंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया है, अब इसमें मैं क्रीम डालूंगा। मैंने ये आधा डब्बा पूरा क्रीम इसमें डाल दिया है। क्रीम से इसकी रिचनेस देखिए, फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है और रिचनेस भी आ जाती है इसमें। अब क्रीम के साथ थोड़ा 2 से 3 मिनट बनाऊंगी, दम पे रखूंगी और फिर डिश आउट करूंगी। कोथमीर पुदीने से गार्निश कर दूंगी। देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ वाइट कोरमा। अब इसको मैं थोड़े से क्रीम से गार्निश करूंगी। कोथमीर पुदीना कितना बेहतरीन दिख रहा है, देखिए देखा आपने।